Hey what's up guys we are back with a new video this is Shivam this is Neha and, and you are watching, watching Beat Blaster सो so आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो जिसका आप वेट कर रहे थे कि हम रिएक्शन करें और जिसका भाई पूरी दुनिया वेट कर रही थी कर्ण उजला के फैन वेट कर रहे थे हम ऐसे देखें यार कब कब हम रिएक्शन करें, करें? यार? रे. And guys, आपको मैं बताऊं कि मेरी बैक पेन हो रही भाई मेरे से बैठा तक नहीं जा रहा मैंने पेन किलर का वो जो होती है पेन किलर वाली जेल वो भी लगाई है वो भी कोई असर नहीं कर रही मेरे से बैठा तक नहीं जा रहा मैं मैं ही हो रहा हूँ दो दो मिनट के बाद पीछे क्वेश्चन रखे हैं दो तीन बट बहुत बुरी आ रहा था बट मैंने कहा नहीं यार इतने कमेंट्स आ गए अब जैसे मर्ज़ी करके रिएक्शन करना है भाई टी द रणवीर शो <laughs> तो, रणवीर आलाबादी भाई के चैनल पे कर्ण उजला भाई का पॉडकास्ट आया एंड आप सभी को पता है भाई रणवीर भाई जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो बीच से जड़ से निकाल के पूछते हैं मेरे को बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स हो रही थी ना मैं स्वाइप कर जा रहा एक भी नहीं सुनने भाई पूरी वहीं जाके सुनेंगे सो so फिलहाल इसको प्ले करते हैं और कर्ण उजला की लाइफ के बारे में सुनते हैं बहुत कम लोगों ने सुना है एंड इस पॉडकास्ट में पूरी पूरी सच्चाई जो है कर्ण उजला की पता लगने वाली है भाई कहाँ से कैसे हर एक चीज का जिक्र होने वाला सो इसको प्ले करते हैं बहुत लंबा है हम इसको पूरे को करेंगे लेकिन पार्ट वाइज पार्ट करेंगे वो भी डेली करते रहेंगे एक दिन में दो डाल देंगे या कल करेंगे आज तो सिर्फ एक करूँगा दूसरा मेरी हालत नहीं है भाई बनाने वाली तो so, फिलहाल इसको प्ले करते हैं फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस करण औजला बने कैसे <laughs> बहुत ओके बने भाई जान स्माइल 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 यार यार ये स्माइल है स्माइल की करने जाएगी स्माइल बने आप है ना

लाइक बस सुबह उठता था पहले साइकिल की तरफ जाता था अभी अगर ये मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है मेरे सामने डबल आर लिखा हुआ है इसको मैं देख ही जा रहा हूँ कि यार इसको फील कर यार तूने ये ले ली उतना मजा नहीं आ रहा है यार कैसा लगता है जब बीस हजार लोग आपका नाम पुकार रहे हैं कॉन्सर्ट में आई फील आप में ना एक बहुत भारी हैवी ड्यूटी आई हेट सिंग इट बट पेनफुल एल्बम है

आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड तब वो मैन ऑफ द हाउस रिस्पांसिबिलिटी फील हुई यार आई विश लाइक देयर वाज Somebody उस पांच साल में माय मॉम got diagnosed with cancer then there was a point जहां मेरे को पता लग गया थी इनके पास 8 महीने हैं मेरे डैड का फ्यूनरल था मेरे में मैं इतना छोटा था डर गया था कि मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूं कि मेरे को कोई उठाओ मत लाइक या हार्ड टाइम्स ब्रो जब भी मैं पंजाबी आर्टिस्ट के साथ पॉडकास्ट करता हूं मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि ये तो ना पॉडकास्ट पर दिल खोल के रख देते yes. हैं करणला भाई के साथ एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल कॉन्वर्सेशन हमने करी मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे आप एंजॉय आप कीजिए आज की ब्रोक कॉन्वर्सेशन कर भाई के साथ लेट्स करण ओजला का स्वागत है टी आर एस पर आपका इंतजार हो रहा था बहुत देर से <laughs> मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे आने का भाई <laughs> कैसे हो ब्रो आई एम ओके भाई हाउ आर उबरू बहुत अच्छा लग रहा आप you, है आपसे मैं डायरेक्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ ठीक hmm. है और ये मैं सिर्फ पंजाबियों के साथ करता हूँ hmm. इतना ज़्यादा खुलता हूँ hmm. स्टार्ट hmm. में ही आई थिंक क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ी दिल वाली बातें ज्यादा होती हैं हमारे आर्ट में भी दिखाई देते हैं इसलिए मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ बहुतों को आपके पास्ट के बारे में पता है आपके बचपन के बारे में पता है, हाँ जी। क्या हुआ उसके बारे में पता है? आ, उस पर्सपेक्टिव से भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत हाँ। ज्यादा आपकी पर एज एन आर्टिस्ट जहाँ तक आप पहुंचे हो हाँ जी। वो भी अकेले आ, बहुत इंडिपेंडेंट सफर रहा है, तो जितना ज्यादा आप सेल्फ मेड हो उस सेल्फ मेड एनर्जी की वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी थैंक यू भाई आ, और अक्सर ये मैं एंड में कहता हूँ पर मैं स्टार्ट में ही कहूँगा हाँ कि आई फील इज जस्ट योर बिगिनिंग थैंक यू फॉर बीइंग इन दिसंक यू सची और आप बहुत आप बहुत ज्यादा सेक्सी भी हो थैंक यू ब्रो या सो फनी आपके गानों में सेक्सीनेस होता है या या डू यू एग्री या आई डू एग्री एक्चुअली ये तो सही बात है भाई ये बस आ, ये रो शुरू से ही है बस आता है साथ में <laughs> क्या वाइब आप पैक कर दो गानों में भाई बस नेचुरल रखने की ट्राई करता हूँ जो मैं हूँ ना ज़्यादा लाइक मैंने पहले भी एक तो गानों में भी कहा था कि मैंने ट्राई की थी ना थोड़े टाइम पहले कि कुछ यार कई लोग पढ़ के भी लिखते हैं ना यार कुछ पढ़ने की डाल डालूँ यार क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं मैंने ट्राई किया नहीं पढ़ूँगा मेरे से तो मैंने कहा अगर मेरे थाट्स ही मेरे से लिखवा रहे हैं मैं सही लिख रहा हूँ यार लाइक यू नो आई एम राइटिंग अबाउट नॉर्मल

Huh, so look at that, bro. If you know him, <laughs> like you know Punjabi music, right? Yeah. So it's like many people weren't doing that because Jada Log it was cool thing nay thi, uh mm. Hamare yeah. but not like especially Yampe. So it just makes me happy key Log or open abhi, more languages, there's no barriers, people are uniting. End of the day it's all about getting everybody together. Like yo, yes. we're all one. Definitely. Like mm. there's आई नो लाइक वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज लाइक मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में बात करूँ <laughs> की यो इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन यू नो लैंगवेज इज नथिंग आई 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 थिंक लाइक इट्स ऑलवेज समटाइम्स कई लोग लाइक like, बार उम्र है उसको वो मेरे बाकी लोगों के साथ जब बात करता है उन्हें इंग्लिश नहीं आती इसे पंजाबी हिंदी नहीं आती कुछ नहीं आता बट दिल कम्युनिकेट So it's like through the eyes. Vibe pakad liye. Pakad So same thing as here, no? Uski dhat piece Okay. Yeah. Omar comfortable screen on screen aane don't know bari vini, but up a trigger sekte. Maybe, yeah. Okay. Bro, Omar? Yes. How comfortable are you coming on screen for five minutes? Yo, we were just talking about how, like, you've been communicating with my people, you know, but you don't even know the language. Coming. How's it going? Good, good. How are you liking being in India? It's beautiful, beautiful. Yeah, it's a different culture, but it's beautiful. Okay, just talking to the mic a little okay. bit. Okay. Do you, have you picked up on the Punjabi energy of Karan Wajhla? Oh my God, it's amazing. <laughs> you know, I, I don't know what he's saying, but it's just the spirit, and just it's <laughs> just, it's just, it's just <laughs> I, I, I'm bouncing like I'm I'm listening to Tupac. You know what I mean? <laughs> it's amazing, though. Yes. What have you picked up about Punjabi culture? I'm I'm that, uh, y we all, you know, that we just this is beautiful people. I mean, be. I don't know. I know his and I know about him. I don't know too much about the culture, bro, but I know he's an amazing man. man. This is the culture. <laughs> yes, yes, yeah, man. Um, you, you feel a vibe through the music at least. Oh my goodness, yes. I'm in there. Like I'm, i know what everything. I know everybody's saying. <laughs> yeah, yeah. Like, yes, he's oh, having more God. fun every time. Yes. yes, yes, yes. yes. So, uh, last question for you. Mm -hmm. How would you describe Punjabi music in one word? Based on everything you've listened to with current? Him. I think uh, it, it needs to be out more. You mm. know what I mean? Because I, I just, I, it, it's just, I feel a spirit, and I don't even know what's going on. But I, I know it, it needs to be, it needs to touch more of my people. You know mm. what I mean? Yeah. That makes sense. Hundred percent, brother. We're gonna make Thank that you, happen. Bro. My G. Yes. <laughs> wow. <You're> my brother, <laughs> yeah, that's cool. This is oh, what it is, bro. Omar, ladies and gentlemen. <laughs> it's all about the vibes. Yeah, man. आई थिंक आई थिंक इट अ की पार्ट ऑफ एनी आर्ट फॉर्म पर स्पेशली जब हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं जो एनर्जी आप पैक इन कर देते हो yes वही आपकी लेगेसी बन जाती है हाँ भाई। yes. uh, मुझे आपसे बहुत देर से मिलना था क्योंकि इन पर्सन आपकी एनर्जी फील करनी थी हाँ और जो एक्सपेक्ट किया था वही आप हा, बहुत हाँ भाई। हम्बल है भाई। हो पर आई फील कि जो लाइफ आपने देखी है उसका नतीजा आपकी आर्टिस्ट्री है बिल्कुल I'm Sorry, I'm like saying this I know सही, पर सही सही बात है भाई आपकी मेरे को भी कई बार ये लगता है लाइक like, मैं ना बहुत कम टाइम से सेल्फ अवेयर हुआ हूँ पहले मेरे को पता ही नहीं थी लग रहा था कि क्या चल क्या रहा है ये बहुत सब कुछ बहुत मेरे हिसाब से लाइक like, बहुत बहुत फास्ट हो रहा था सब कुछ मेरे को पता था एक दिन मैं बनूंगा लाइक like, मेरे को आई हैड द कॉन्फिडेंस आई वॉन्ट इट टू डू ए जब मेरे पेरेंट्स लूज हो गए सब कुछ हो गया चलो हो गया है ना आई वाज यंग हैपनिंग मुझे पता था कि यार देख चलो अब मैं इंडिया में हूँ तीन साल मैं कनाडा चले जाऊँगा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वहाँ पे जाके काम तो मेरे से नहीं होगा पर ये जो मेरे साथ हो, हो गया लाइक इसको मैं लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू मेक दिस माय स्ट्रेंथ है ना लाइक इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता कि यार सब कुछ चला गया बस कुछ भी नहीं है मेरे पास और बस बैठ जाओ और बस लाइक नथिंग राइट सो मेरे को पता नहीं पता नहीं लग रहा था कि इमोशंस को मैं प्रोसेस कैसे करूँ सो so,

इतनी ज़्यादा सक्सेस देख कर yeah. सोच तो hmm. बहुत ज़्यादा लाइक like, uh, मेरे को ऐसे लगता था कि टाइम के साथ ये सही हो जाएगा पर <laughs> मेरे हिसाब से ये uh, वर्ष ही हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा हो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ यार जितना ज़्यादा uh, कमा रहा हूँ जो चीज़ें पा रहा हूँ उतना ही लगता है कि कुछ भी नहीं है यार लाइक like, किसके लिए वाए लाइक ओके इट्स कूल But like what's the purpose here? Like okay, like hmm. who am I trying to make happy? Myself or like I don't even really have any. Like I have family, like I have a beautiful wife, I have sisters. Oh. But honestly, like I miss my parents, bro. I wish they were here to witness all this. Cause one only Sari Sari Zindigi um I say Zada Dekaine, what show to say gaume, would ray on keep डेली टू डेली लाइफ बहुत नॉर्मल थी यू you नो know, महीने का आडर नो सौ डॉलर आता होगा घर उसमें खुश थे इज नॉट लाइक वी वर क्राइंग वी वर ऑल हैप्पी बट थिंग इज आई विश दे गाट टू सी अलर मोर यू नो एंड आई गाट टू स्पेंड मोर टाइम विद इट्स क्या याद है बचपन के बारे में भाई मेरी ना पिक्चर मेमोरी बहुत शार्प है जैसे मेरे को सीन्स याद रह जाते हैं शक्लें याद रह जाती हैं जैसे आडर नो लाइक मी यू नो राइडिंग

हुआ भी नहीं इतना टाइम ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया लाइक like, तब सूरत संभली थी सब कुछ याद आने लगा था और सब कुछ ये हो गया so, like, all, all like, happened, तो इट्स लाइक लाइक ऑल ऑल अर्ली लाइकेंड्स की बात है नाइन से the first time i got hit with like something like the first tragedy in my family basically like it happened um a baby soul store 2006 ke mein specifically hanji like i remember that day like you know like Again that those scenes just come in front of me. Like I don't think about it. Sometimes I close my eyes when I think about my dad. It's not like I cry every time like So I still remember that bike sitting outside of my house in a little trolley, like, you know, it was like this big. Like just cut to you know. So like I remember all that. Like we just bought that bike on Diwali. Um सो दिवालीज़ली नवंबर और उनका एक्सीडेंट हो गया था एंड आई मोटरसाइकिल सो पहली बार मैंने सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल देखा था मेरे गाँव में मेरे डैड ने लिया राइट सो आई वॉज वेरी हैप्पी बट उसके पहले उनके पास होता था सुजुकी सो आई रिमेंबर में कैसे नहीं पता ही नहीं लगा भाई वहाँ तो लाइक ऐसा था कि जब uh, मेरे डैड का फ्यूनरल था मेरे में मैं इतना छोटा था डर गया था कि मैं एक्टिंग करने लगा मेरे को अभी भी, भी याद है कि जिस दिन उनका फ्यूनरल था उनकी बॉडी को घर पे लेके आना था यू नो दिस एंड दैट मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में, एक में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मतलब व मेरे पास करेज नहीं थी कि मैं like, वहाँ पर जाकर लाइक एक्चुअली यू नो गिम आई वॉच माई कजनज लाइक मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी मेरे को पता ही नहीं था लग रहा भाई है ना मेरी वो जिम्मेवारी थी मेरे को पछतावा भी होता है कि काश यार मैं करता वो पर दस वर ए वॉज प्रो आई खड एंड इन द मोमेंट

क्योंकि आप दब जाते हो या 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 और मेरी एज थी, yeah, yeah. so थी। हाँ उन्होंने कहा की वंस के जाने के बाद हुँ। अब ना वो आपको और क्लोजली देखने लगते क्योंकि तब वो सेकंड पर्सन में कहानियां सुनते थे हाँ जी। अब आपके साथ कहानियां जी रहे हाँ जी बिल्कुल तो ये आपको कभी महसूस हुआ है मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी लाइक कभी कभी मेरे से ना कभी कोई पूछता है कि यार तेरा गोल क्या है लाइक तू कभी सोचता है कि क्या करना चाहता है मेरे हैं कई गोल्स पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या ये सही है कि मैं सोचता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइक क्या ये सही है लाइक आई डोंट डोंव दोज थक ओ क्या दिस नाउ आई जस्ट कीप की लाइक जो भी हो रहा है मैं जस्ट करे जा रहा हूँ बस हो ही जा रहा है पर मेरे को ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मैं कुछ Mangta like or let's say I I pray for it or I, I really wanna have something. It doesn't have to be I do anything with let's say music or anything. Like overall, let's say I just want happiness in my life. I feel like when I ask for it, it feels like I'm asking my parents. You know, mm. so like as I it like I'm um. asking them and they give it to me. Like you know. वो आपके गार्डियन एंजल्स बन चुके हैं हां जी इन सम वेस या फेयर टू से या आई डिडंट लाइक आई डिडंट नो हाउ टू प्रोसेस दैट बैक इन द डेज बट नाउ आई 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 कैन से दैट लाइक यस लाइक दैट्स ट्रू ब्रो करण ओजला बने कैसे ब्रो बहुत ओके बने भाई जान <laughs> 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 ओ यार बहुत बहुत भाई लाइक सही था फन था मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार लाइक लाइक like, बहुत कुछ लाइक like, देखा ओके बट फन भी बहुत करा यार मैंने लाइक इट वॉज़ फन लाइक दिस प्रोसेस लाइक मी बिकम एन एन आर्टिस्ट ओके लाइक पेरेंट्स लॉस्ट हो गया मैं तीन साल इंडिया में था बाय माई सेल्फ विद माई चाचा एंड लाइक यू नो हिज फैमिली एंड

पर थोड़ा थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है कि कर इसके इसको कर तू प्रॉपर कर तू और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था सो so, पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी लाइक like, मैं अब ये जिंदगी से लाइक नाराज़ नाराश हूँ लाइक मैं अक गया लाइक आई जस्ट वांट टू डाई बेसिकली लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक लाइक सो दुखी सो so, मेरे को राइम मैं राइम करना चाहता था जो भी अंदर से आया लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी लाइन थी हुआ मैं ज़िंदगी तो बड़ा अक गया मेरे जीन की जीन की वजह भी कोई खास नहीं मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है लाइक दैट माय फर्स्ट थॉट एट फोर्टीन ईयर्स ओल्ड सो मैंने सोचा कि यार सही सही है सही है कोई बात नहीं दो ज़्यादा सीरियस मत हो इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना मैं और लिखने लग गया गाने सही होते थे कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता जो भी मैं देखता था लिखता रहता था तो मेरे को अभी भी याद है मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार इवोक वो छोटी वाली होती है भैया तो यार ये कितनी का होता साठ लाख की होती थी ना वो <laughs> वो मेरे को किसी ने बताया okay, है ये बोला तो गया मैंने गया लिखा मैं ओके okay, यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी सो मैंने एक गाना लिखा थले फर्स्ट थिंग सो मैं अच्छा लग रहा है मैंने वो गाना लिख दिया भाई चल मैंने वो लिखा मेरे पास पढ़ा रहा ये वो मैंने हमारे ना जस्सी गिल भाई हैं पंजाब से तो उनके साथ में समहा इन टच हुआ लाइक मेरी एक थिंग थी मैं वैसे ही हाथ पले मारता रहता था ना किसी को मैसेज कर दिया ये वो तब और ऑर्कुट भी होती थी ना एंड एक ना उनके प्रोड्यूसर के साथ इन टच आ गया और कुछ लाइक like, मैं जिस सेंडिंग तो एक गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके साल डेढ़ साल बाद वो आया तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था और तब मैं या लिखने लग गया भाई बस देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो कनाडा गया वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे लाइक जिस मिलने लग गया लोगों से जो भी सिंगर्स को जानता है कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ लोगों के लिए लिखूंगा जस्ट गिव माई सॉन्ग वे एंड आई जस्ट जिस टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स पर अब गा पाते थे तब मैं गा पाता था थोड़ा बहुत लाइक like, मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल लाइक यू सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था पर आई वुड वुज माई सॉन्ग्स एंड सिंग दम सेंड इट टू दम एंड तो यह मैं करता रहा करता रहा uh, कई बार एक तो वीडियो शूट्स पे यू नो कई लोगों के साथ काम किया लाइटें उठाई लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन ना नाज uh, पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे दे वर डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर और मैं उन शूट्स पे जाता था मेरे को ऐसे था कि मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने कुछ भी आई जस्ट वॉन्ट टू मीट दिंगर सिंग फॉर दम एंड गिव माई लिरिक्स अवे एंड ऑल आई वॉन्ट इज नो मनी मेरा नाम ले दे देना गाने में ये बड़ी बात होती थी कि मेरा टैग लाइन होती थी करेलाज ने ट्रेंड एवरी लास्ट वर्स वैव येम दॉन्ग सो दैट माई होल थिंग सो स्टूइंग मेरे गाँव के आस पास पता लगने लग गया है कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से कौन है कौन है ये कौन है और दिस इज लाइक ओवर दस भाई लाइक हाउ यू आस्ट करन कैसे बना लाइक

डिन यू हैव अ बैंक अकाउंट मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है क्रेडिट कार्ड भी नहीं था बस कैश लेता था उड़ा देता था हाँ, ये वो है हाँ, ना और कपड़े मेन शौक था बस और कुछ नहीं था फ़ोन बिल भरना होता था बस ये दो बिल होते थे कि बस रह लो कोई अब uh, मेरा ठिकाना भी नहीं होता था कभी ए सी के घर कभी उसके घर कभी वो स्टूडियो चले गया लाइक वन आई केम टू कैनेडा हाउस विद माई सिस्टर्स बट वहाँ पर मेरा रहने का उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा मेरे को वहाँ पर लेकर आए सब पर मेरे अंदर एक चीज़ थी लाइक आई गेट आउट लाइक मेरे को पता नहीं मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था ग्रेट वर्ड से किक आउट हो गया इन दिस मीन टाइम आई वॉज राइटिंग फॉर अदर पीपल नॉट गोइंग टू माई क्लासेज यू नो लाई टू माई सिस्टर्स गो टू ट्रो दस फाइव आवर फ्लाइट flight. Somehow गेट मनी एंड sit इन द स्टूडियो देयर राइट फॉर अदर पीपल सो मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो वीडियो बनाने में और मैं <laughs> करना चाहता था प्रॉपरली सो hmm. यार so, yeah, ये होता रहा भाई और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार हार, हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा हो जाएगा लाइफ कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे हैं हाँ जी बिल्कुल या कोर ऑफ योर ग्रोथ या एंड इट्स माय स्ट्रेंथ टू लाइक आई बिलीव आई डोंट रियली थिंक आई एम अ गुड सिंगर लाइक आई डिलीवर बट लिरिक्स एंड मेलोडीज इज व्हाट आई डू लाइक दैट्स मी आपके अंदर कितने गाने हैं इनफाइनाइट गाने होते हैं किसी के अंदर क्या लिमिटेड होते हैं हां uh, इनफाइनाइट होते हैं पर उसको पता नहीं होता यू नो जानसी लाइक

तो मैं एंजॉय करने के लिए, लिए लिखता हाँ, ना अब अब आ, नहीं कर नहीं एंजॉय अब मैं अब मैं ज्वाइन नहीं कर पाता उन चीजों का हाँ। अब भी एक बिजनेस बन गया ना पहले गाने पूरे वैसे होते थे ना थोड़े एंजॉय वाले ना करने कराने था न, अब ये कि मैं मैंने लोगों को प्रिंट करने गाने अच्छे हाँ, अच्छे ही अब एक ड्यूटी बन गई है एक हॉबी बन गई है और मेन बात है मेरा एक

बट भाई, भाई तू हमारे पास रहे जैसा भी हो तू सिंगिंग छोड़ देना और जैसा भी रहेगा बट हमारे पास रहना वो भी एक होता है सो so, बाकी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट का जल्दी आगे कंटिन्यू करेंगे कदम हो एंड बहुत मुश्किल से करा भाई मैंने बैक दर्द में आगे पीछे हो ओके सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में